बस आप कैसे हो। मैं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ की तरफ से आई है। जैसा कि बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, उस एग्ज़ाम को लेके मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ जो कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्ज़ाम को लेके है। कब से उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलो मैं आपको वो लेटेस्ट अपडेट दिखाता हूँ जो कि सीआरपीएफ की तरफ से जारी हुई है एग्ज़ाम को लेकर। देख सकते हैं पैरामेडिकल डाउनलोड एडमिट कार्ड 2022। सीआरपीएफ पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो कब से कंडक्ट होगा, उसका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, उसको लेकर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है ये जो वैकेंसी टोटल 789 पोस्टों पे ये भर्ती आ रखी थी जो कि इनकी तरफ से सीआरपीएफ की तरफ से जारी हुई थी, उसको लेके मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इसमें एएसआई फार्मासिस्ट हेड कांस्टेबल, एएसआई टेक्नीशियन, एएसआई इलेक्ट्रो हेड कांस्टेबल डायलिसिस, ये सब चीज़ की वैकेंसी आ रखी थी पोस्ट वाइज जो आपको दिखा रहा। आप बात करते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर को लेके। एग्ज़ाम सेंटर जो रहने वाले थे न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, पालमपुर, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने थे। आप इम्पॉर्टेंट डेट बता देता हूँ, रिज़ल्ट आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकता है। आप देख सकते हो आपका रिज़ल्ट कार्ड टेंटेबली मार्च तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। मार्च में आपके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिए जाएंगे जो कि मेरे तरफ से आपके लिए लेटेस्ट अपडेट थी। अगर अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।